तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया गैरीवास व्यू पॉइंट, झालंग पिकनिक स्पॉट, एप्पल स्टोन एंड बिंदु बैरेज। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो हम लोग आए थे लेफ्ट साइड से और अब जाना है हम लोगों को स्ट्रेट स्ट्रेट वाले रास्ते में। बाकी हमारा जो साइट है वो हमको देखना है, तो रॉकी आइलैंड और ये क्या है, कैप्टन राम सिंह ठकुरी। कैप्टन राम सिंह ठकुरी इस मोड़ से हम लोगों को अभी एकदम यू टर्न लेकर नीचे उतरना है। ये रास्ता जाएगा रॉकी आइलैंड। अभी का रास्ता बहुत खराब है। संताली खोला जाने वाला जो रास्ता है वो एकदम पूरा जंगल के बीच में, वो भी मतलब जंगल के बीच में ही और थोड़ा सा पहाड़ है तो वो दिख ही रहा होगा। तो वहीं चढ़ रहे हैं हम लोग अभी ऊपर। आदि तो सो गया है, अभी तक सोया ही है, और साथ में ये झूला झूल रहा ना, लक्ष्मण झूला, उसको और मजा आ रहा है, उसको स्ट्रा कर रहे हैं सामने। तो पहला एनिमल साइटिंग हुआ हम लोगों को आज का। तीन छोटा छोटा बंदर था वो भी हट गया रास्ते से। रास्ता खराब होने की वजह से काफी संभल के मेरे को चलाना पड़ रहा था। आगे से जो राइट टर्न है वो है रॉकी आइलैंड, बट हमको इस वक्त सीधा जाना है बिकॉज फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है संताली खोला। जंगल क्रॉस करने के बाद अचानक हमको दिखा एक गांव, और शायद यही गांव था संताली खोला। बट हमको यहाँ नहीं रुकना था, हमको जाना था संताली खोला टैक्सी स्टैंड पर। वहां जाके फिर हमको वहां से एक टैक्सी लेनी थी। संताली खोला टैक्सी स्टैंड से हम लोग यहाँ पे एक टैक्सी लिए। भाई साहब लोग जबरदस्ती हम लोग वो टैक्सी दिलवा देते हैं, बोलते आपका गाड़ी नहीं जाएगा ऊपर। बट चलो कोई बात नहीं, सबको इनकम करना चाहिए। यहाँ 300 रुपया लगा टैक्सी का हमारा, तो जा रहे हम लोग। आदि अभी भी सो रहा है, वही प्रॉब्लम हो गया। आदि अगर जगह रहता तो बेचारा थोड़ा सा खेलता कूदता, गहरा नींद में। अच्छा ही है, ये गाड़ी में खेलता कूदता ना। इनका गाड़ी खराब हो जाता है। कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में? अभी 6-7 मिनट लगेगा। 6-7 मिनट में पहुंच जाएंगे ऊपर। पर 6-7 मिनट बाद इन लोग क्या पैदल चले जा रहे हो? इन लोग तो लोकल है। नहीं, ये लोग कहाँ लोकल है? ये लोग तो लोकल नहीं है, ये लोग पैदल चला गया। जा तरीका खुशी, 300 रुपये बर्बाद हम लोगों का। ये उसके तरह हुआ, डलौसी में गए थे हम लोग, वो क्या था ऊपर काला पत्थर, वहाँ भी वैसे ही हुआ। थोड़ा सा दूर ले जाएगा बोलते बस यही है, वहाँ भी 300 रुपये ले लिया। चलो कोई बात नहीं। ये हैंगिंग ब्रिज हम लोग पहुंचे अभी। हैंगिंग ब्रिज पहुंच चुके हैं हम लोग, पर खुशी का फोन नहीं मिल रहा है। लेकिन हम बोले थे खुशी को कि तुम्हारा फोन मेरे पास है। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस गाड़ी में छूटा या वहां पे छूटा है। तो फोन गिरा तो फिर हो गया केस।
पैदल आया जा सकता है, बट हम लोग के साथ आदित है इसलिए हम लोग नहीं आए। और गाड़ी 300 रुपये लेकिन बहुत ज़्यादा है यहाँ का, अरे बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा सा है, हमें हार्डली कितना लगा, 5 से 7 मिनट लगा होगा। अपना गाड़ी आ जाएगा लेकिन इन लोगों का बिजनेस है थोड़ा, और कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। पूरा हिल रहा है ब्रिज। हाँ कहाँ आ गए? अरे वाह क्या व्यू है यार यहाँ से। नहीं इन लोग अपना बालकनी से ही बैठ के सारा व्यू एंजॉय कर रहे थे। तो एक प्लेट मोमो का सेवन करेंगे हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद कॉफी पियेंगे फिर निकलेंगे। भूख तो लगा है नहीं, लेकिन वैसे ही पहाड़ पे आ गए तो थोड़ा मोमो खाया जाए। पीछे वैली है पूरा और बादल हुआ है आज। अगर बारिश हो ना तो, अगर बारिश होता तो ये जगह और खूबसूरत लगता। और चलो कोई बात नहीं, वॉशरूम है खुशी, अगर जाना है तो जा सकती है एक बार वॉशरूम। तो चलिए 4:30 बज रहा है, लास्ट है रॉकी आइलैंड। रॉकी आइलैंड के बाद नींद पूरा हुआ है। हाँ जाग जाग, अच्छा हुआ नींद। ये फिर सांस टाने लगे तुम उल्टा, ये पूरा डायरेक्ट बोलो ये क्यों? ऑरेंज खाया, ऑरेंज खा के मुंह भी नहीं धोया, पोछा भी नहीं, सो गया खाते खाते सो गया। और ऑरेंज जैसा होके उठ गया है ना, देखो ये देखो इनके साथ लगा हुआ है। दो 2% बैटरी है, जितना म्याओ करना कर लो, चार्ज करना होगा अभी फोन हमको। ये पूरा भुट्टा हुआ है यहाँ पे। तो बस निकल चुके हैं यहाँ से हम लोग, रॉकी आइलैंड लास्ट रास्ता। तो बस ये यहाँ से हम लोग जंगल के बीचों बीच अब जा रहे हैं रॉकी आइलैंड की तरफ। सामसिंग इको टूरिज्म रिसोर्ट, मतलब वही ऊपर जाने वाले रास्ते में यहाँ पे राइट साइड में दिख जाएगा, और नीचे से जब हम लोग उतरेंगे लेफ्ट साइड में ही था वही सामसिंग इको टूरिज्म रिसोर्ट। तो यहाँ भी वही ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है, अगर कोई यहाँ रहना चाहे तो यहाँ भी रह सकता है। आई गेस सुपारी है, देखो पूरा खतरनाक सुपारी प्लांटेशन हुआ है यहाँ पे, है ना? सुपारी है ना पूरा, ये पूरा सुपारी है। बहुत देर हुआ, आज तुम्हें मारे गज। रॉकी आइलैंड में हम लोग आ गए है ना, अब देखें क्या खास है। हाँ हाँ यहाँ ठंडा है थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कि स्वेटर पहनना पड़ेगा, बट थोड़ा सा वेदर वैसा ठंडा वाला फील हम लोगों को हो रहा है। ज़्यादा देर यहाँ वैसे रखेंगे नहीं आदि को, तो इन लोगों का ठंड तुरंत लग जाता है। ये आया रॉकी आइलैंड। तो हो गया रॉकी आइलैंड भी घूमना, और पानी का कलर ना, मतलब ट्रांसपेरेंसी लेवल तो वो अल्ट्रा सुपर मैक्स चला गया है, इतना ट्रांसपेरेंट पानी, मतलब यहाँ तो कैसे है? रुको कोशिश करते हैं दिखाने का, अगर दिख जाए तो मस्त क्लियर पानी है एकदम साफ। अगर ये बोतल में भर के लेके जाए ना तो मतलब लगेगा नहीं कि बोतल में पानी है, इतना साफ है पानी।
ये देखो पूरा नीचे का क्लीन सरफेस जो है वो दिख रहा है। जहां तक देखो मैंने दूर तक यहां से वो वहां नीचे क्या है वो दिख रहा है। सब रवाना हो रहे हैं हम लोग अपने रिसोर्ट में, हो गया घूमने। तो 7:20 हो रहा है, 7:05 तक हम लोग आ गए थे, आधे से आधे एक चाय ऑर्डर हो गया। अब आराम से चाय पियेंगे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे, डिनर आएगा अपना भाई 9:30 तक। अब आदि के पीछे लगा जाएगा, मतलब अब खुशी थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खिला दे आदि को, वैसे भी अभी मूड में है पूरा। देखो चाय पियोगे? सुनो सुनो इधर आओ, इधर आओ, तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, फैन चला दे रहा हूँ, आओ फैन चलाएंगे, आओ आओ बेटा। फैन के लिए तो पहाड़ पे चढ़ जाएगा ये, चलाओगे फैन? हाँ रुको, देखना देखना ऊपर देखो, तुम ऊपर देखो, हाँ शाबाश, ऊपर देखते रहो, फैन चलेगा अभी, तुम ऊपर देखो, ऊपर देखो, देखो फैन चला, अच्छा लगा? हाँ अच्छा, बाग भी बंद हो गया, फिर बंद हो गया। आईना में अपने आप को देख के चिल्लाया आ रहा है। एक्चुअली ये दोनों फैन ना, मतलब टेबल फैन जो है, और टेबल फैन नहीं वॉल हैंगिंग फैन सॉरी, ये रिमोट से चल रहा है, इसलिए अच्छा खेल मिला है। फैन ऑन ऑफ करो और खेलो इनके साथ। क्या चला दे फिर? हाँ चला दे, देखो देखो तुम ऊपर देखते रहो, फैन देखो, फैन देखो, फैन देखो, चलेगा, चला भर दो पूरा।